नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी रांची और असम के गुवाहाटी और कोलकाता समेत कई जगह एक साथ झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। भूकंप का केंद्र म्यांमार था। अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर में भी भूकंप के झटकों की खबर है। बताया जाता है पटना समेत दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, अररिया समेत कई जगहों पर झटके महसूस किए गए। कोलकाता में मेट्रो की सेवा को फिलहाल रोक दिया गया है। तो देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.7 मापी गई। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। भूकंप के झटके महसूस होने के तुरंत बाद ये लोग घबरा कर अपने घरों से बाहर आ गए। तो कोलकाता और पटना के लोगों का अनुभव क्या रहा, सुनिए उन्हीं की जबानी। मैं लेटी हुई थी पलंग में और अचानक से आई फेल्ट कि बहुत जोर से पलंग हिल रहा है। बस बेड स्टार्टेड शेकिंग वेरी हार्ड, सो आई सडनली केम डाउन फॉर नोइंग व्हाट्स द रीजन, सो आई केम टू हर्ट दैट इट्स। ऊपर में थे तो पंखा हिलने लगा जो रुका हुआ था, एसी रूम है। जी हाँ, पंखा हिल रहा था और वाइब्रेशन हो रहा था पैर में लगा, तो फिर हम लोग उतर के नीचे आ गए। सारे लोग उतर के आए नीचे, वाइब्रेशन था पूरा पूरा हिल रहा था, नीचे से लग रहा था। लगभग हम लोगों तो 15-20 सेकंड महसूस हुआ, 15-20 सेकंड। फ्लोर पे नहीं है, सामने दुकान है भाई। हाँ, सुध का थी। हाँ, पता चला तभी तो बाहर हम लोग आए हैं। कितना देर के लिए आपको लगा था? 15 सेकंड के आसपास। हाँ, 15 सेकंड के आसपास। हाँ, महसूस हो रहा था। लोग पावर ग्रिड का ऑफिस में बैठे हुए थे तो कुर्सी हिलने लगा, तो लगा कि क्या क्या हुआ। फिर कंसस हुए कि भाई भूकंप आ गया, तो फिर हम लोग ऊपर से नीचे आ गए। और स्थिति ऐसा लग रहा है, भयावह, लोगों में डर समाया हुआ है कि हमेशा रिपीट होता है। अब देखिए प्रकृति का क्या है, रिपीट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पीछे भी लगातार 2-3 बार या 4 बार रिपीट किया है। दूसरा, हाई राइज बिल्डिंग है, थोड़ा सा दूर थोड़ी देर के लिए खड़ा होना जरूरी है। अभी कई बार रिपीट होता है, बिल्डिंग से कुछ भी गिर सकता है, एसी वगैरह कुछ भी गिर सकता है, इसलिए थोड़ा सा दूर खड़ा होना। कोलकाता और गुवाहाटी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उधर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जब लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को नई स्क्रैपिंग पॉलिसी का प्रस्ताव सौंपा। स्क्रैपिंग पॉलिसी को दो दौर में लागू किया जाएगा। पहले दौर में भारी वाहन जैसे ट्रक, बसेस को शामिल किया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक 15 साल पुराने बस, ट्रक जैसे हैवी वाहनों को कबाड़ में बेचना जरूरी होगा और नए वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को नए वाहनों की खरीद पर एक्साइज ड्यूटी में छूट देने या फिर कैश इंसेंटिव देने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के मुताबिक नए वाहनों की खरीद पर 10% तक छूट मिल सकती है। सरकार का मकसद इसके जरिए प्रदूषण कम करना है। इससे पहले ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 15 साल पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का आदेश दिया था। प्रिंसिपली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर इनकरेज दिस आइडिया, बट वी आर टेकिंग इट इन ए फेज 1 फेज 2। Particularly for truck and buses, the heavy vehicles, we will take in the first phase, those who completed 15 years. And the suggestion from the finance minister was that make it mandatory. Because of pollution now, the 65% of pollution is because of this heavy vehicle, which life is more than 15 years. ई-कॉमर्स कारोबार में महामुकाबले की तैयारी हो रही है। ज़ी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अलीबाबा और अमेजन को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हाथ मिला सकते हैं। सूत्रों की माने तो ई-कॉमर्स सेक्टर में बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए दोनों कंपनीज के बीच मर्जर हो सकता है। दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट के बीच मर्जर को लेकर शुरुआती चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेजन इंडिया ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के मामले में फ्लिपकार्ट से आगे निकल गई है और जियो के लॉन्च के बाद ई-कॉमर्स में रिलायंस रिटेल से भी टक्कर मिलने का डर है। इसलिए फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हाथ मिलाकर कंपटीशन से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर स्नैपडील से बात बनती है तो फ्लिपकार्ट को फ्री चार्ज का फायदा मिलेगा। आपको बता दें अलीबाबा की भारत में दिलचस्पी बढ़ रही है और स्नैपडील में कुछ जापानी ऑनलाइन रिटेलर्स की भी दिलचस्पी है।
अगर फ्लिपकार्ट से बात नहीं बनती तो अलीबाबा भी मर्जर का विकल्प हो सकता है। तो चलिए अब ये जानिए कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील हाथ मिलाना क्यों चाहते हैं। वैल्यूएशन में कमी को देखते हुए निवेशक एग्जिट की जल्दबाजी में है। निवेशक वैल्यूएशन गिरने से पहले चाहते हैं कि कंसोलिडेशन हो जाए और फ्लिपकार्ट की वैल्यूएशन घटने से भी कंपनी पर दबाव यहां बन रहा है। फ्लिपकार्ट की पीक वैल्यूएशन 1500 करोड़ डॉलर से घटकर 1050 से 11060 करोड़ डॉलर पहुंच गई और दोनों के साथ आने से सेलर्स के साथ बेहतर मोलभाव के मौके भी बनेंगे, सूत्रों का ऐसा फिलहाल कहना है। और नए एफडीआई नियमों के बाद भारी डिस्काउंट देकर मार्केट बढ़ाना मुश्किल यहां पर लग रहा है। तो बढ़ते हैं आगे खबरों में और बात शेयर बाजार की। बाजार एक उतार चढ़ाव भरे सेशन के बाद दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 8650 के ऊपर तो सेंसेक्स 28000 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 70 और निफ्टी 17 अंक चढ़कर बंद हुए। आज बाजार में फोकस फार्मा, बैंक और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर रहा था। इन सेक्टर्स में अच्छी तेजी देखी लेकिन आईटी, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल शेयर्स पर दबाव दिखा। हालांकि शुरुआती कारोबार में बाजार दायरे में फंसा रहा। दोपहर के कारोबार में बाजार लाल निशान में दिखा लेकिन आखिरी घंटे में आई खरीदारी से दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। मेरा एक्सपायरी का टारगेट है 86 से 86.50 के बीच में, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट शायद हमें देखने को नहीं मिले। हालांकि बैंक निफ्टी से मुझे ज्यादा उम्मीद है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 19500 तक भी 19600 के बीच में एक्सपायर हो सकता है, तो वहां थोड़ी बाइंग देखने को आ सकती है। और आईटी स्टॉक्स में भी थोड़ा और एक राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं वो देखने को और मिल सकता है। बट इसके बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि हम 87 को क्रॉस कर पाएंगे इस एक्सपायरी में। शेयर बाजार में कई सेलिब्रिटीज निवेश करते हैं लेकिन बिग बी ने भी कई कंपनियों में निवेश किया है जिन्होंने मोटा रिटर्न दिया। कौन है तुम? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। उम्र के इस पड़ाव पर भी बिग बी यानी सदी के महानायक अपने निवेश को लेकर न सिर्फ सजग हैं, बल्कि उन कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जो उन्हें बेहतर रिटर्न दे रही हैं। बिग बी ने ज्यादातर छोटे और मंझोले शेयरों में दाव लगाया है। पोर्टफोलियो में पैनी माने जाने वाले कई शेयरों को भी शामिल किया गया है। कई शेयर प्रमोटरों ने आईपीओ में काफी कम भाव पर भी दिए हैं लेकिन बिग बी को सबसे ज्यादा मुनाफा मिला है जस्ट डायल से। Wanted your attention. अपना अपना फोन उठाइए और लॉग ऑन कीजिए justdial.com। बिग बी ने स्टैम्पीड कैपिटल में 5.92 करोड़ का निवेश किया है जिसकी मौजूदा वैल्यू 24 करोड़ है। बिग बी ने बिरला पैसिफिक मेड स्पा में 3.3 करोड़ का निवेश किया लेकिन वहां उन्हें घाटा सहना पड़ा। वहीं बिग बी ने फिनोटेक्स केमिकल्स में 0.36 करोड़ का निवेश किया जहां बिग बी को 1.75 करोड़ का रिटर्न मिला। नितिन फायर में 6.45 करोड़ का निवेश किया तो वहां बिग बी को 41% का घाटा सहने को मिला। वहीं बिग बी ने कुछ कंपनियों के शेयर खरीद कर बेचे भी जिनसे उन्हें मोटा रिटर्न मिला है। न्यूलैंड लैब्स में बिग बी ने 1 करोड़ का निवेश किया जिससे उन्हें 2.59 करोड़ की कमाई हुई। उजास एनर्जी में बिग बी ने 3.87 करोड़ का निवेश किया जिससे 7.76 करोड़ की कमाई हुई। जस्ट डायल में बिग बी ने 6 लाख का निवेश किया जिससे उन्हें 7.22 करोड़ की कमाई हुई। फिनोटेक्स केमिकल में बिग बी ने 2.95 करोड़ का निवेश किया जिससे बिग बी को 14.49 करोड़ की कमाई हुई। अपना अपना फोन उठाइए और लॉग ऑन कीजिए justdial.com। अरे कम ऑन, सच में आई मीन इट। बिग बी को सबसे ज्यादा रिटर्न जस्ट डायल ने दिया। हालांकि बिग बी को सबसे ज्यादा मुनाफा छोटी और मंझोली कंपनियों से मिला है लेकिन बिग बी की कमाई के शहंशाह बनने के पीछे उनकी लंबी सोच और लंबा नजरिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैबिनेट ने सरोगेसी बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल में सरोगेट मदर्स के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक ड्राफ्ट सरोगेसी बिल 2016 के तहत एक बोर्ड का गठन किया जाएगा।
जो क्लिनिक को रेगुलेट करने के साथ उनकी जांच करेगा। ड्राफ्ट बिल में कमर्शियल सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल किया गया। सिर्फ उन्हीं मामलों में सरोगेसी को मंजूरी दी जाएगी जिसमें इनफर्टिलिटी को साबित किया जाएगा। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल गाइडलाइन फॉर एक्रेडिशन सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ एआरटी क्लिनिक्स इन इंडिया 2005 के जरिए सरोगेसी को रेगुलेट किया जाता है। सरकार इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करना चाहती है। लॉ कमीशन की माने तो सरोगेसी को लेकर विदेशी दंपति के लिए भारत एक पसंदीदा देश बन चुका है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को भेजे गए दो इंडिपेंडेंट स्टडी के मुताबिक हर साल भारत में 2000 विदेशी बच्चों का जन्म होता है जिनकी सरोगेट माँ भारतीय होती है। देश भर में करीब 3000 क्लिनिक विदेशी सरोगेसी सर्विस मुहैया करवा रहे हैं। सरोगेसी को प्रतिबंधित करने के लिए एक बिल के द्वारा आया है और उस बिल को आज मंजूरी दी है कैबिनेट ने। एक आंकड़े के अनुसार 2000 सरोगेसी क्लिनिक आज देश में चल रहे हैं जहां गरीब महिलाओं को कुछ पैसे देकर ले आया जाता है, किसी दूसरे दंपति का एम्ब्रियो उनके वूम्ब में प्रवेश करा के 9 महीने तक गर्भ की पीड़ा उनके द्वारा सही जाती है और बाद में बच्चे का मुंह भी उसे दिखाया नहीं जाता, चंद पैसे देकर के उसे अपने घर वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें महिला हेल्थ का भी एक इशू है, विमेन हेल्थ का भी एक इशू है, एबेंडेंट चिल्ड्रन उनके वेलफेयर का भी एक इशू है। और इस तरह की चीज़ जो प्रकृति के विपरीत है, केवल पैसा कमाने की दृष्टि से इस तरह के सरोगेसी क्लिनिक जो चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का भी एक इशू है, एक मुद्दा है। अब आपको बताते हैं कि सरोगेसी बिल में आखिरकार खास क्या है। विवाहित भारतीय ही सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं। इस बिल में प्रोविजन किया गया है विवाहित भारतीय ही सरोगेसी के लिए एलिजिबल हैं और सरोगेसी के लिए इनफर्टिलिटी को साबित करना जरूरी होगा। सिंगल विदेशी होमोसेक्सुअल कपल्स को सरोगेसी की इजाजत अब नहीं है। इस बिल के तहत लिव इन रिलेशनशिप्स में रहने वालों को सरोगेसी का फायदा नहीं मिलेगा। सरोगेट मदर्स की उम्र 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, इससे कम की महिला सरोगेसी नहीं कर सकती है। सरोगेट मदर्स के लिए इंश्योरेंस कवर भी जरूरी है और बोर्ड बनाया जाएगा जो क्लिनिकल को रेगुलेट करेगा। तो ऐसा बोर्ड बनाया जाएगा जो क्लिनिक्स को भी रेगुलेट करेगा। अब आपको उन सेलिब्रिटीज के बारे में हम बता रहे हैं जिन्होंने सरोगेसी का सहारा लिया। तुषार कपूर सरोगेसी के जरिए लड़के के पिता बने। तुषार कपूर के बाद शाहरुख खान का नाम भी इसमें शामिल है। और आपको बता दें शाहरुख खान की तीसरी संतान सरोगेसी के जरिए हुई। अब्राम उनकी तीसरी संतान का नाम है आमिर खान और किरण राव। आमिर किरण का बेटा आजाद आईवीएफ बेबी है, यानी कि इसी तकनीक के जरिए उनका बेटा पैदा हुआ है। और फराह खान और शीरीष कुंदर, फराह शीरीष कुंदर के तीन बच्चे हैं। आईवीएफ तकनीक के जरिए ही ये तीनों बच्चे हुए हैं फराह खान को। तो वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सरोगेसी का सहारा लेकर जिनके बच्चे हुए उनके बारे में हमने आपको बताया।